अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जी जनाब, आज मैं आपके साथ ये आई थी मैं सदर एट्रियम मॉल कराची, जो कराची में रहते हैं उन्हें पता ही होगा, तो यहां पे मैंने विज़िट किया था। मैंने कहा चलें आपको भी विज़िट कराते हैं थोड़ी सी, यहाँ की ज़रा विंडो शॉपिंग आप लोग भी कर लें। तो जनाब काफ़ी अच्छा ये मॉल है और काफ़ी बड़ा मॉल है। तो यहाँ पे मैंने ये एक वीडियो मैंने और बनाई है, वो उसका पार्ट टू मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी कपड़ों की, तो काफ़ी मैंने सुना था कि सेल लगी है, लेकिन सेल के हिसाब से भी जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और यहाँ पे जितना भी ये कपड़े का मटेरियल है वो है खद्दर। ये जो खद्दर होता है थोड़ा मोटा होता है, और लेकिन कराची में तो खैर कोई इतनी ज़्यादा ख़ास सर्दी पड़ती नहीं है, तो इसलिए बस ये है कि हमने एक दो महीने ही पहनने होते हैं, और फिर इस तरह के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। लेकिन स्टिचिंग के हिसाब से काफ़ी कपड़े अच्छे थे यहाँ पे, लेकिन ये हमारा छोटा सा बेबी हमें यहाँ पे देखने नहीं दे रहा था। काफ़ी अच्छे कपड़े थे और बिल्कुल सिंपल, जो कैजुअल आप घर में आराम से यूज़ कर सकते हो, इस तरह के कपड़े थे। और काफ़ी ऐसा भी नहीं था कि आपके साइज और साइज़ के हिसाब से जो कपड़े थे ना वो तो गुड थे, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा हैवी ख़वातीन होती हैं उनके हिसाब से कपड़े नहीं मिल रहे होते, लेकिन यहाँ पे हर साइज़ अवेलेबल था। और छोटी गर्ल्स से लेके जो बड़ी ख़वातीन होती हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे। तो ये कैजुअल पहनने के लिए, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं 14-15 साल की, उनके हिसाब से ये वाले कपड़े मुझे बहुत प्यारे लगे थे। और जी यहाँ पे फिर हाँ, अच्छा काफ़ी हमने यहाँ पे देखा। फिर उसके बाद मुझे एक शॉप में ना कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए, वो मेरे हिसाब से थे बिल्कुल, जिस तरह के कपड़े मैं वेयर करती हूँ, मुझे सिंपल से कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। और जी जनाब यहाँ पे ये ब्लैक सूट, इसका वर्क मुझे बहुत प्यारा लगा था, और इसका जो लुक है वो भी बहुत प्यारा था। इसके अंदर इनर था और ऊपर से इसका कोट था, और फुल आस्तीन थी इसकी। और जी यहाँ पे ये एक नेवी ब्लू कलर था इसका, और एक ये स्काई ब्लू कलर था। काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये वाले कपड़े भी, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे जो एक ये कट वर्क वाले जो काम है, ये वाले कपड़े बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, और इसका वर्क बहुत प्यारा था, और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, और स्टिचिंग भी बहुत ही गुड थी। और जी यहाँ पे ये थी इसकी पहनने के बाद ओवरऑल लुक, जो मुझे वो दिखा रही थी, आंटी सामने थी और काफ़ी अच्छा उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी कपड़े के बारे में, स्टिचिंग के बारे में। तो जनाब यहाँ पे ये इसके कलर में था, एक पिंक कलर था, एक ये मेहरून टाइप कलर था ये, लेकिन कैमरे में अभी इसका थोड़ा सा रेड कलर दिखा रहा है ये, और एक इसका स्काई ब्लू कलर था, और एक मरजेंटा कलर था। बहुत प्यारे लग रहे थे ये कपड़े मुझे, और एक ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ये अम्ब्रेला फ्रॉक था, और जनाब इसका भी ना बहुत प्यारा मटेरियल था कपड़े का, जो कपड़ा जो है ना वो कपड़ा तो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा था इसका। और जी यहाँ पे ये पूरा अम्ब्रेला फ्रॉक था, और इसके साथ ये कंट्रास्ट में दुपट्टा दिया हुआ था। और जी जनाब यहाँ पे अच्छा, मुझे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिसेंट से कपड़े पसंद हैं, ना कि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और अभी आदत भी नहीं रही है बिल्कुल। तो जनाब यहाँ पे ये था, एक चिकन का सूट था पूरा, और इसकी जो शर्ट थी वो पूरी चिकन की, सामने जो इसका वर्क था ना, इस बेक इसका पूरा प्लेन था, लेकिन जो फ्रंट और आस्तीन पे इसके लगा ये पूरा चिकन का पीस लगा हुआ था। और अच्छा सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये लगी थी कि इन्होंने पूरा जो सामने इसका शर्ट पीस के सामने इसका अंदर जो है वो इनर लगा हुआ था, और इनर जो है वो साथ ही सिलाई के जॉइंट हुआ हुआ था। बहुत ज़बरदस्त इसकी सिलाई थी, और जो इसके ट्राउज़र था उसके ऊपर भी थोड़ा वर्क कट वर्क इन्होंने काम किया हुआ था, तो बड़ा अच्छी इसकी मुझे स्टिचिंग लगी, और पूरा अंदर इनर था कि आप आराम से यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं था कि आप अच्छा, सिर्फ आपने इन कपड़ों को ख़रीदना था और वेयर करना था, स्टिचिंग के हिसाब से ना बहुत ही गुड लगे ये कपड़े मुझे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही लाइट सा कलर, बहुत ही प्यारा, और ये मुझे अपनी अम्मी के हिसाब से बहुत ही प्यारा लगा था ये सूट। और यहाँ पे ये देखें उसी का दूसरा कलर है, और ये तो मुझे ये देखें इसमें भी सिर्फ हल्का सा कटवर्क इसके राउंड गले पे था, और जो गला है वो हाईनेक गला था, और अच्छा सबकी आस्तीनें फुल स्लीव्स थी। और जनाब इसका ना अच्छा, और ये जो सूट है ना ये हानिया आमिर ने पहना था, और इसका वो मुझे बता रही थी, अच्छा इसमें साइज़ बड़ा ज़बरदस्त था इसका, मुझे अपनी
बड़ी सिस्टर बड़ी याद आई इस टाइम पे, तो मैंने कहा बाजी को बोलूँगी लेके भी बल्कि आऊँगी यहाँ पे इन्हीं की शॉप पे। तो यहाँ पे साइज़ बड़े ज़बरदस्त थे क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो भी थोड़ी सी हैवी हैं, तो उनके हिसाब से भी यहाँ पे कपड़े ना बहुत गुड थे। और ये जो सूट है ना, ये था कोई 14,000 का ये सूट था, लेकिन इनकी शॉप पे यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओनली 4,000 में ये सूट अवेलेबल था इनके पास, और इसका बहुत बड़ा सा प्लाजो था और बहुत ही प्यारी सी लुक थी इस सूट की। और यहाँ पे ये अभी हम आ गए थे अबाया कलेक्शन देखने, तो जनाब मैंने काफ़ी टाइम से मुझे अबाया, अच्छा ये भी जो कलर है ना ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा आ रहा है ये वीडियो में, लेकिन ये भी कलर बहुत प्यारा था, ये अबाया था और बहुत ही सिंपल सा डिसेंट सा अबाया था, और इसका सिर्फ ये स्लिप्स बने हुए थे और इसके साथ कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा था। और जो कपड़ा है ना, कपड़ा बड़ा ही कोई खूबसूरत कपड़ा था, क्रिंकल जॉर्जेट जो होती है हैवी वाली थोड़ी वो थी, बिल्कुल भी इसे पहनने के बाद नहीं महसूस हो रहा था कि कोई हमने हैवी बुर्का पहना, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका था ये अबाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ये वाला अबाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और कलर जो है कलर बड़े खूबसूरत कलर थे और बहुत ही डिफरेंट कलर लग रहे थे अबाये के। और जी जनाब यहाँ पे अभी मैं आ गई थी, ये शादी के हिसाब से जो कपड़े हैं वो भी मैंने देखने थे, तो जनाब यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत सा सूट मुझे लगा था। और इस अच्छा कपड़े सारे ऐसे थे कि आप आराम से, बहुत हल्के फुल्के कपड़े थे और बहुत हैवी नहीं थे, और इस इनकी जो स्टिचिंग थी, इनकी जो कपड़े की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और आराम से आप कैरी कर सकते हो, इस तरह के कपड़े थे। तो यहाँ पे ये सूट भी मुझे बहुत प्यारा लगा था और इसकी प्राइस के हिसाब से भी ये मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें भी पूरा नीचे इनर लगा हुआ था और ये बहुत अच्छा डिसेंट सा काम था, और दुपट्टे के जो पल्लू हैं उसके ऊपर वो मैंने अभी आपको दिखाया वो काम हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो जनाब आप लोग ज़रूर जो कराची में रहते हैं वो आके यहाँ पर विज़िट करना, और कैजुअल जो कपड़े आपने लेने हों तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे यहाँ पे गुड क्वालिटी के कपड़े थे, और अगर आपने पार्टी में या शादी वगैरह में जाके कपड़े वेयर करने हैं तो उस हिसाब से भी यहाँ पे ये कपड़े बहुत ही खूबसूरत थे। और प्राइस के हिसाब से जो कैजुअल कपड़े हैं वो प्राइस के हिसाब से थोड़े ज़्यादा मुझे महंगे लगे, लेकिन जो पार्टी वगैरह में हम कपड़े पहनते हैं तो उसके हिसाब से कपड़ों की जो प्राइस है वो ज़्यादा सही थी। और जी यहाँ पे अभी हम आ गए थे, थोड़ा भूख लगी थी तो हमने कहा चलें यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा फूड कॉर्नर था, काफ़ी अच्छा फूड कॉर्नर था, और यहाँ पे हमने किया जिंगर बर्गर ऑर्डर विद चीज़, और बहुत ही मज़ेदार ये बर्गर था, चीज़ के साथ फुल लोडेड चीज़ थी इसके अंदर और बहुत मज़े का था जनाब, काफ़ी अच्छा यहाँ का। अच्छा यहाँ पे ना कॉर्नर पे ना एक वो भी बना हुआ था बच्चों का प्ले एरिया, तो यहाँ पे ये लोग बहुत गलती कर देते हैं कि बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ के और ख़ुद मतलब शॉपिंग पे चले जाते हैं या फिर कहीं पे भी मतलब बैठ जाते हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आगे अंदर जो बच्चे थे काफ़ी शरारती बच्चे थे वो मैं देख रही थी, तो जनाब इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल किया करें। और यहाँ पे ये देखें बड़ी प्यारी सी ये वॉच मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जेंट्स और लेडीज़ दोनों की थी, और कोई इतनी अच्छा यहाँ पे ये कोई 3,500 से स्टार्ट थी और कोई 10,000 तक की यहाँ पे वॉचेस अवेलेबल थी, और लेकिन क्वालिटी के हिसाब से वॉचेस बड़ी ज़बरदस्त थी और गुड थी, क्वालिटी भी बहुत प्यारी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही थी ये माशाल्लाह से। तो जनाब बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, तो जनाब जो कराची में रहते हैं वो सदर आके यहाँ पे एट्रम मॉल कराची में ज़रूर आप यहाँ पे आना सदर पे और ज़रूर विज़िट करना, और बच्चों को भी साथ लेके आना, बच्चों ने खूब इंजॉय करना है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।